ईश्वर पांडे अपने ईडू फेस्ट चैनल के माध्यम से अभी आपको संस्कृत पढ़ा रहा हूँ। हम लोगों का अभी जो टॉपिक चल रहा है वो संधि का, संधि प्रकरण में स्वर संधि हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें पिछले वीडियो में आपने देखा कि स्वर संधि की परिभाषा भेद करते हुए हम लोग स्वर संधि की पांचों संधियों को कंप्लीट किए, पांचों भेदों को कंप्लीट किए। आज आपको स्वर संधि के पांचवा संधि जो था अयादि संधि, उसका अपवाद मैं बताने जा रहा हूं और आप ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे उसको और कॉपी कलम ले लेंगे, उसको नोट कर लेंगे। नोट करना अनिवार्य है क्योंकि आगे आप अभ्यास करने में आपको हेल्प होगा, मदद होगा। और इसको समझने से पहले आप पिछले वीडियो को भी देखना जरूरी है आपको, ताकि स्वर संधि जो जहां से स्टार्ट हुआ है वहां से लेकर अभी तक आप समझ सकें। तो आगे बढ़ते हुए आपको हम बता रहे हैं, लेकिन आगे आप संधि को समझने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, आइकन घंटा है उसको प्रेस कर देंगे। तो आगे देखिए, हाँ, तो पूर्व रूप संधि आपका है अभी, लेकिन पूर्व रूप संधि बताने से पहले इसके पिछले वीडियो में जो आप अयादि संधि पढ़े थे उसमें मैंने आपको कुछ प्रश्न दिए थे हल करने के लिए। उस प्रश्न का हल आपको अभी इस वीडियो में मिलना चाहिए और मैं दे रहा हूं। देखिए, पूर्व पूछे गए प्रश्नों के उत्तर, पहले पूर्व मीन्स पहले वाले वीडियो में, इसके पहले जो अयादि संधि हम लोग पढ़े थे, तो उस अयादि संधि का पहला था गायक आया आ रहा है यहाँ पर, जैसा कि आप नियम बताया गया था आपको, तो आया में आय होता है तो गय प्लस अकह संधि विच्छेद हुआ। दूसरा था धौ प्लस अकह, इसका संधि करना था, तो धौ औ है तो औ का आव होगा तो धाव हो जाएगा, धाव अकह। चे प्लस अन बराबर चयन अय होगा क्योंकि एक ही मात्रा है चे। और लास्ट था चौथा भवन, भवन में अव आ रहा है जब उच्चारण कर रहे हैं तो अव के लिए भो होता है ओ की मात्रा, तो भव में ओ की मात्रा लग गया, भो प्लस अन भवन। इस प्रकार आप अन्य एग्जांपल्स बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि किताब से, मेन कोर्स बुक से या संस्कृत व्याकरण बुक से आप इन संधियों के एग्जांपल्स लेकर के अभ्यास करेंगे, क्योंकि अभ्यास ही मूल है, अध्ययन में पढ़ाई में अभ्यास ही महत्वपूर्ण चीज होता है। कहा भी गया है अभ्यास ही नहीं विद्या, विद्या अभ्यास की चीज है। अब एक जैसे आता है नमा में हम, देखिए नमा में हम, एक शब्द है नमा में हम, अब इसको संधि विच्छेद करना है। अब समझ सकते हैं किस संधि का है ये अयादि संधि नहीं है, क्योंकि बताया गया था अयादि संधि में अय आय अव आव आता है, जैसे चयन तो अय आता है, नयन अय आता है, धावक तो आवा आता है, इसमें वो चारों में से कोई नहीं आ रहा है। तो अब इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे, नमाम में हम, नमाम में हम मैंने कहा था कि दो तीन बार पढ़ लीजिए उसको, नमाम में हम नहीं समझ में आ रहा है तो समझने के लिए आपको नमाम आधम कर दीजिए, नमाम प्लस यहम, तो क्लियर है, नमाम माधा है तो महालंत हो गया, यहम हो गया। आगे न माम, अब ये यह है तो यह को अलग कर लेंगे, यह इसमें हलन कर दीजिए तो क्या निकल गया यहां से, और इधर अहम हो गया, नमाम यह इसमें से अ निकला तो इधर अहम हो गया, नमाम में अहम। आगे नमाम, अब आप जानते हैं ई कैसे बना है, तो ई से, ई का ई होता है ई,
प्लस अहम। अब ये ई मात्रा बनकर इस म में आकर मिल जाएगा, क्या हो जाएगा, नमामि प्लस अहम, नमामि प्लस अहम, ये संधि विच्छेद हो गया। अब नमामि प्लस अहम आपको डायरेक्ट यहां से यहां आना है, ये बीच में समझने के लिए आपको बताया गया है, ये आपको नहीं बनाना है, बस केवल समझने के लिए, इतना आपको समझने के लिए है कि कैसे नमामि अहम को तोड़ा गया। नमामि प्लस अहम ई का य नियम में आप पढ़िएगा, यण संधि है, ई को यणची, नमामि में ई है, इसके बाद दूसरा स्वर है अ, तो ई का य हो गया, य निकला इसमें से और ये म आधा हो गया, तो नमाम में अहम, ये य जो बना उसमें अ मिल करके य को पूरा कर दिया, नमाम में अहम हो गया। ओके हाँ, तो पूर्व रूप संधि, ये अयादि संधि का अपवाद है, यहाँ लिखा हुआ है अयादि संधि का अपवाद। इसमें क्या होता है, तो यदि पद के अंत में, पद के अंत में जो प्लस के पहला पद होता है, प्लस के पहले उसके अंत में ए या ओ हो और बाद में अ हो, तो उस अ का जो बाद वाला अ है उस अ का अर्धवाकार, इस टाइप का ये चिन्ह है आधा अ का अर्धवाकार हो जाता है, जैसे प्रभो प्लस अत्र, यहां देखिए प्रभो अंत में क्या ओ है और आगे अ है, संधि दोनों हुआ तो प्रभोत्र हो गया, प्रभोत्र अर्धवाकार, सो प्लस अपि सोपि, रामे प्लस अपि रामेपि, राधे प्लस अयम राधेयम, क्या हुआ यहां पर कि अगला जो अ है वो अर्धवाकार हो गया। एक्चुअल में अब आप सोचेंगे ये अपवाद कैसे है, तो देखिए पो पो प्लस अन बराबर क्या होता है पवन, पो प्लस अन बराबर पवना होता है, लेकिन इसी टाइप का तो ये भी है सो, सो प्लस अपि, ये क्या हो गया सोपि, देख रहे हैं यहां भी ओ है और इधर अ है, यहां भी ओ है और इधर अ है, दोनों सेम है एक जैसा है, कंफ्यूजन होता है, तो यहां पर पो ओ का अव हो गया पवन हो गया, और यहां ओ जो कितने हो रहा कुछ नहीं चेंज हुआ, अगला अ जो है अर्धवाकार हो गया। एक्चुअल में ये जो पूर्व रूप संधि है उस विसर्ग संधि का एग्जांपल है, विसर्ग संधि में आपको पढ़ना है कैसे, ये उत्व संधि है, विसर्ग संधि में आता है जैसे सो प्लस अपि है, तो सो प्लस अपि एक्चुअल में स्टार्ट होता है सह, सह प्लस अपि ये स्टार्टिंग है, सह प्लस अपि ये विसर्ग है। अब विसर्ग संधि जब हम पढ़ेंगे वहां पर इसको क्लियर कर देंगे आपको कि नियम इसका विसर्ग से पहले अ हो बाद में अ हो तो विसर्ग का क्या होता है उ हो जाता है, ये उ हो जाता है, और यही उ इस अ से मिलकर, इस स के अंत में अ है, इस अ से मिलकर के अ और उ मिलकर के ओ हो जाता है, तो हो जाता है सो और अगला अ अर्धवाकार हो जाता है, यहां आपको हम शॉर्ट में बता दिए, तो आप समझ गए कि ये विसर्ग संधि का एग्जांपल है, जब विसर्ग से ओ बन गया तो वहां से आपको दे दिया जाता है पूर्व रूप संधि में आ जाता है, सो प्लस अपि बराबर सो अपि। इस प्रकार हम लोगों का स्वर संधि आज कंप्लीट हो गया, स्वर संधि के पांच भेद, अयादि का अपवाद और भी है, वृद्धि संधि का भी अपवाद है, यण संधि का अपवाद है, बट वो आपके सिलेबस में अभी है नहीं, वृद्धि संधि का भी अपवाद आता है, यण संधि का भी अपवाद है, इसी में आता है, पूर्व रूप संधि के जस्ट बाद आता है, उसको फिर बाद में कभी लास्ट में होगा तो बता दिया जाएगा, और वीडियो का आप, हाँ तो स्टूडेंट्स अब आप दो एग्जांपल मैं आपको दे दे रहा हूँ, आप इसको बनाएंगे, पहला है कोयम और दूसरा को प्लस अपि, इसका संधि विच्छेद करेंगे और इसका संधि करेंगे और बना करके आप देखेंगे
सही बन पाता है नहीं बन पाता है, और इसके बाद अगले वीडियो में इसका आंसर मैं आपको दे दूंगा, आप समझ लेंगे। यदि संधि नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके अपना प्रश्न को डाल सकते हैं, अपने कंफ्यूजन को डाल सकते हैं। समझ में आ रहा है फिर भी आप कमेंट करके हमको बताइए कि हाँ सर अच्छी तरह समझ में आ रहा है, समझ रहे हैं, ताकि मेरा प्रयास तभी सार्थक होगा जब आप व्याकरण को समझेंगे। मैं जो बता रहा हूँ यदि आपके समझ में आ गया, दिमाग में आ रहा है, तो कमेंट के द्वारा हमको सूचित करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में आइकन घंटा उसको दबाएं और व्याकरण को अपने मुट्ठी में कर लें। ओके, थैंक्स, धन्यवाद।